दोस्तों अभी Xiaomi ने ऑफिशियली अपनी तरफ से एक ऐप लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है MIUI 12 के यूज़र्स और MIUI 11 के यूज़र्स के लिए, जिसका नाम है हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का फ़ोन है और अगर अभी उसमें MIUI 11 चल रहा है या अभी वो MIUI 12 पे है, तो आप उसमें ये जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में अभी MIUI 12 नहीं आया है, तो MIUI 12 जब भी आपके फ़ोन में आएगा तो आपको ये जो ऐप है वो देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ऐप को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जो हार्ट बीट है उसको काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये जो ऐप है डाउनलोड किया गया है बीटा वर्जन से MIUI 12 के, लेकिन जब भी ये जो MIUI 12 का वर्ज़न आएगा आपके फ़ोन में, तो ये जो ऐप है आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप इसे MIUI 11 में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो लिंक से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी कोई भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक रैंडम ले लेनी है, या आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भी लगा सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे और अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, अपना वेट सेट कर लेंगे कितना है। तो वेट सेट करने के बाद ओपन हेल्थ पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें अभी काफ़ी सारे फीचर्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये आपको बताएगा कि आप आज आप कितने स्टेप्स चले हैं, ओके, वेट आपका बताएगा, कितनी बार स्टैंड अप हुए हैं, और लास्ट में आएगा मेजर हार्ट रेट। तो यहाँ से आप जो है अपनी हार्ट रेट को काउंट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने इस तरीके से जो है अपने कैमरा पे जो अपने फिंगर को रखना है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे, देन जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की फ्लैश ऑन हो जाएगी। और आपने क्या करना है, इस तरीके से जो फिंगर है यहाँ पे रख देना है, इस तरीके से फिंगर को रख देना है, और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा हार्ट रेट का। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, और उसके बाद आपको जो एक्चुअल आपकी हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो बता देगा कि अभी नॉर्मल है या फास्ट है या एवरेज है। तो अभी आप जो है रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो हार्ट रेट है वो आपको यहाँ पे काउंट करके ये बता देगा। और पहले स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि ये शायद फेक है, बस ऐसे ही है दिखाने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में काम करता है। अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं या थोड़ी रनिंग करके और फिर अपनी जो हार्ट बीट है उसे अगर आप मेज़र करते हैं, काउंट करते हैं, तो एक्चुअल में उस टाइम आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ी हुई होती है, और ये जो है यहाँ पे बढ़ी हुई हार्ट बीट आपको दिखाएगा। तो मतलब ये एक्चुअल में काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी जो फिंगर है उसको कुछ इस तरीके से रखना है कि वो फ्लैश पे भी आ जाए और जो है कैमरा पे भी आ जाए। उसके बाद से ये जो है आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो हार्ट बीट है वो काउंट करके दिखा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो हमारे पाने के लिए हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।